कोरोना से जूझ रहा है। 135 करोड़ की आबादी के देश में जिस मजबूती के साथ भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े, आज उसका परिणाम है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के तमाम बड़े बड़े देश, जो पस्त हो गए कोरोना के सामने, भारत मजबूती इसके साथ इस लड़ाई को लड़ करके अपनी जनता को सुरक्षित करने में सफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। यो बहनों, जब उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग, झारखंड के लोग उत्तर प्रदेश से चलते थे, तो मैंने कहा भी भले ही महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली के अंदर उनके साथ कुछ व्यवहार जो भी हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, हमारे मेहमान होंगे, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, उनके लिए वाहन की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें मुफ्त में ये व्यवस्था देगी। यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया, ये हमारी ड्यूटी थी। क्योंकि बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार का मतलब हमारे लिए माँ सीता का मायका हो जाता है। और इसलिए मेरा यह दायित्व तो बनता है कि सीता मैया के मायके से कोई अगर उत्तर प्रदेश से गुजरे तो उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कोई भी बिहार का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश से गुजरा होगा, उसने एहसास किया होगा कि शासन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम लोगों ने करके दिखाया था।